तो मेरे पीछे है ये 3D स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पीछे है जवाहरलाल नेहरू जी की फेस की प्रतिमा। तो ये चंबल रिवर फ्रंट का दूसरा हिस्सा, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं थोड़ी महल सी फीलिंग आती हुई यहाँ पे। और ये मेरे पीछे सामने की तरफ दिख रहा है मेन जो चंबल रिवर फ्रंट का जो पहला हिस्सा है वो है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ आज वो। तो दोस्तों हम बढ़ चुके हैं आगे मस्ती में। अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो जाके जरूर देखें, ये है दूसरा पार्ट। तो चल दिया है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी तो कोटा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और ये है मेरे पीछे नंदी की बड़ी प्रतिमा। पीछे आप मेरे देख रहे हैं जो बिल्कुल घाट जैसी फीलिंग आ रही है, जो कि आप देख रहे हैं टोटल ये है 1 2 3 4 5 यहाँ पे बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे अभी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, पूरी तरफ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं आपको। ये कुछ क्लिप मैंने लिए हैं आपको दिखाने के लिए, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, बहुत अच्छे कलर दिए हुए थे यार, येलो ब्लू वाइट, पूरा का पूरा डिज़ाइन ही अलग करके रखा है इन्होंने तो यार लोगों ने। हाँ यही कलर किया है अभी तो, बाकी तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। और पानी की बोतल भी वहीं रखी यार अपनी, तो प्यास लग रही मुझे। हाँ सही है, गोला देख कितना बड़ा है। हाँ क्या क्रिएटिविटी है, बिल्कुल आर्किटेक्ट एक नंबर है बिल्कुल। वो तो पूरा का पूरा शानदार लग रहा है। बल्ले बल्ले अड़ जाते तो मज़ा आता नहीं। हाँ बल्ले अड़ जाते तो मज़ा आता है, पर अपने गया ये बात तो सही कह। चलते अपन तो काम चलो चलता। और ये वाले हिस्से पे पेंटिंग का काम चालू हो चुका है। पीछे मेरा दिख रहा है काफ़ी बड़ा गेट है, और इस पर जो है ये ब्लू कलर का गेट, इस पर कारीगरी की गई है येलो कलर और रेड कलर और मेहरून कलर से। काफ़ी अच्छा लग रहा है, दूर से जब ये बम्बू हट जाएंगे तो काफ़ी प्यारा लगेगा, काफ़ी डिसेंट लगेगा। ये अलग से ही दिख रहा है पूरे पूरे एरिया। तो दोस्तों हम किसी महल में नहीं खड़े हैं, ये है चंबल रिवर फ्रंट का ही हिस्सा। ये पूरा महल की तर्ज पे ही मेरे को लग रहा है बनाया गया है, और अभी इसका काम चल रहा है। देख लीजिए मेरे चारों तरफ जो आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि हम महल के बाहर खड़े हों, महल के गेट मेन गेट के बाहर खड़े हों। पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा एरिया इन्होंने लिया है, इसके पीछे ही इन्होंने प्रतिमा दी है, और काफ़ी सारी रखी हुई हैं। भाई इन प्रतिमाओं को भी थोड़ा पास से देख लेते हैं। हाथी आड़ा पड़ा हुआ, और ये आपस में लड़ते हुए। गारंटी है भैया फोटोशूट तो कराना, लोग खूब आएंगे यहाँ पे, कोई रुकने वाला नहीं है, अपना आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर जो है कहीं और नहीं है भैया। दीवार निकाल के दीवार फाड़ के आ रहा है भैया घोड़ा। ये हो गया यहाँ पे कलर शानदार लगने वाली है, यहाँ पे टाइलें ज़मीन पे। तो दोस्तों मेरे पीछे जो ये है, यह है पोदार हवेली, बहुत ही खूबसूरत कलर यहाँ पे कर दिया है इन्होंने। तो चलते हैं बढ़ते हैं आगे। और ये है मेरे पीछे शेखावाटी बिल्डिंग, इस पर कलर होना अभी बाकी है, आई थिंक यहाँ पे येलो कलर होगा। और ये मेरे पीछे हवा महल की तर्ज पे बनाया हुआ, छोटी छोटी खिड़कियाँ दी हुई हैं, कलर वलर कंप्लीट है यहाँ पे, तो ये आई थिंक हवा महल ही इन्होंने बनाया है। इसका भी कलर का काम अभी चल रहा है, पता नहीं सिटी पैलेस और हवा महल दोनों को एक साथ दर्शाने की कोशिश की है शायद यहाँ पे। और यह है पीछे मेरे जग निवास का स्ट्रक्चर, और यह है मेरे पीछे घनघोर गेट। और यह है उदय विलास महल। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके कमेंट पढ़ता हूँ मैं, मुझे लगता है कि आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे घर की तरफ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देख लीजिए आप रास्ते का व्यू कितना प्यारा है, जब ये बन जाएगा तो और कितना सुंदर लगेगा।
बहुत ही प्यारा दिख रहा है ये गाड़ी पे चलते हुए, मानो गाड़ी से ही घूमते रहो यहाँ पे इधर से उधर पूरी जगह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में आबिद कोटा व्लॉग में। ये बाइक व्यू हमने शूट किया है ताकि हम आपको दिखा सकें कि कितना काम अभी हो चुका है। एक नज़र आपकी तरफ से आप देख सकें कि कितना लंबा काम चंबल रिवर फ्रंट के ऊपर चल रहा है। ड्रोन में आप एक बार में ही शूट देख पाएंगे, लेकिन ये बाइक से आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है और कितना हो रहा है, किसके बाद में क्या आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बस ये बाइक के सफ़र से ही मिल सकती है। तो देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।